हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे तुर्किश लीग के मैच के बारे में, जो गाइस खेला जाएगा यहाँ से गोजटेपे और अल्ताई के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में इन दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म और इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। और गाइस बात करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो क्या रहता है इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड, और गाइस वो कौन से प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंट गोल करते हैं इन दोनों टीमों की तरफ से, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जिनका ड्रीम इलेवन पर काफ़ी लो सिलेक्शन रहेगा और उन्हें आप अपनी स्मॉल लीग टीम में कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन बना सकते हो वीडियो कंप्लीट देखने के बाद और प्लेयर का कंप्लीट रिकॉर्ड देखने के बाद। तो गाइस सबसे पहले नजर डालते हैं इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल। तो गाइस फिलहाल हम आ चुके हैं तुर्किश लीग की जो पॉइंट्स टेबल वहां पर, तो सबसे पहले नजर डालते हैं अल्ताया इस लीग में 9th पोजीशन पर है, वहीं पर बात करें गोजटेपे इस लीग में 12th पोजीशन पर है। तो गाइस अल्ताया ने इस लीग में 4 मैच खेले जिनमें से 2 मैच इस टीम ने विन किए और 2 मैच लॉस भी किए हैं। अटैकिंग वाइज 8 गोल किए लेकिन डिफेंसिव वाइज इस टीम ने 6 गोल कंसीड किए हैं। तो गाइस 4 मैच में 8 गोल स्कोर करना आप मान सकते हो जो इसका अटैक है, प्रत्येक मैच में 2 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज से गोल करती है। वहीं पर बात करें इसने 4 मैच में 6 गोल डिफेंसिव वाइज कंसीड किए, तो इसका जो डिफेंसिव वाइज परफॉर्मेंस है प्रत्येक मैच में 1.5 यानी प्रत्येक 2 मैच में कम से कम 3 गोल पर मैच स्कोर कंसीड कर देती है। अटैकिंग वाइज ये टीम प्रत्येक मैच में गोल करती है लेकिन डिफेंसिव वाइज भी टीम कहीं ना कहीं प्रत्येक मैच में गोल कंसीड कर देती है। अब गाइस बात करें गोजटेपे जो कि इस लीग में 4 मैच खेले, 1 मैच विन किया, 2 मैच ड्रॉ भी खेले और 1 ही मैच इस टीम ने फिलहाल के टाइम पर लॉस किया। अटैकिंग वाइज 5 गोल किए लेकिन डिफेंसिव वाइज भी 5 ही गोल कंसीड किए। तो गाइस 4 मैच में 5 गोल स्कोर करना आप मान सकते हो जो इसका अटैक है, प्रत्येक मैच में 1.2 गोल मैच स्कोर करने का एवरेज से टीम गोल करती है। वहीं पर बात करें इसने 4 मैच में 5 गोल डिफेंस वाइज कंसीड किए, तो इसका जो डिफेंसिव वाइज परफॉर्मेंस है वो भी आपको सेम देखने को मिलेगा, 1.2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का एवरेज से गोल कंसीड करती है। तो गाइस अब बात आती है इन दोनों टीमों में से किस टीम को हम अपनी ड्रीम इलेवन टीम के लिए एक फेवरेट टीम मान के चले। तो गाइस मैं यहां से गोजटेपे को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस सीजन इसी लीग में इसने टॉप फिनिश किया था। वहीं पर बात करें अल्ताया जो कि ये इस साल इस लीग में प्रमोट हुई है और उससे पहले ये सेकंड डिवीजन खेला करती थी और वहाँ पर इसका जो परफॉर्मेंस था वो अच्छा था, लेकिन गोजटेपे एक बेहतर टीम है एज कम्पेयर टू अल्ताया। तो इसीलिए मैं यहाँ से गोजटेपे को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ अपनी ड्रीम इलेवन की टीम के लिए। लेकिन गाइज हम बात करेंगे हेड टू हेड मैचेस के बारे में, जब ये दोनों टीमें आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती हैं तो क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीमों की ओर से। तो नजर डालते हैं हेड टू हेड मैचेस पर। तो गाइज इन दोनों टीमों के बीच में आप यहाँ से देख सकते हो तो पिछले 5 हेड टू हेड मैच हुए जिनमें से अल्ताया ने एक मैच विन किया, एक मैच ड्रॉ भी खेला और एक मैच लॉस भी किया। अटैकिंग वाइज अल्ताया 1.3 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज ये टीम गोल करती है लेकिन डिफेंसिव वाइज 2.3 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करती है। तो गाइस जब भी दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो अटैकिंग वाइज अल्ताया 1.3 मतलब 1 गोल पर मैच स्कोर करती है लेकिन डिफेंसिव वाइज प्रत्येक मैच में 1 या 2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड कर देती है अल्ताया। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में हुआ तो वो मैच यहां से 2-2 का ड्रॉ देखने को मिला, मतलब अटैकिंग वाइज दोनों टीमों की तरफ से सेम गोल हुए लेकिन डिफेंसिव वाइज भी दोनों टीमों की तरफ से सेम गोल कंसीड किए गए और उससे मुकाबले गोजटेपे इस टीम के सामने 3-0 से विन कर गए। अटैकिंग वाइज गोजटेपे ने 3 गोल किए लेकिन डिफेंसिव वाइज इस टीम के सामने गोल कंसीड नहीं किया और उससे भी मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच में अगेन मैच हुआ और उस मैच का रिजल्ट भी 2-2 ड्रॉ रहा था लेकिन बाद में अल्ताया पेनल्टी में उस मैच को 4-2 से मैच को विन कर गई। तो अटैकिंग वाइज दोनों टीमों की तरफ से आप देख सकते हो तो गोल होते हैं जब भी खेलती है अटैकिंग वाइज भी और डिफेंसिव वाइज भी इन दोनों टीमों की तरफ से गोल कंसीड किए जाते हैं। अगर गाइस आपको हल्का सा किसी टीम को फेवरेट टीम मान के चलना था हेड टू हेड में तो यहाँ से गोजटेपे ही फेवरेट टीम निकल कर आती है। क्यों? क्योंकि इस टीम के सामने 3 मैच खेले और 3 मैच में 1 मैच इसी टीम ने विन किया बल्कि 2 मैच यहाँ से इस टीम ने ड्रॉ खेले, तो परफॉर्मेंस फिर भी गोजटेपे का ही अच्छा देखने को मिलता है। अब गाइस बात करें इन दोनों टीमों जो करंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम पर जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में। तो गाइस सबसे पहले नज़र डालते हैं अल्ताया के करंट फॉर्म पर। तो गाइस अल्ताया करंटली 6 मैच खेली, 3 मैच विन, 3 लॉस, 1.7 गोल पर मैच स्कोर लेकिन डिफेंसिव वाइज 1.5 गोल पर मैच स्कोर कंसीड। अटैकिंग वाइज ये टीम प्रत्येक मैच में गोल करती है लेकिन डिफेंसिव वाइज भी प्रत्येक मैच में कम से कम गोल कंसीड कर देती है। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच कोनयास्पोर के सामने ये टीम 3-1 से लॉस करके आ रही है। अटैकिंग वाइज इस टीम ने 1 गोल किया लेकिन डिफेंसिव वाइज 3 गोल कंसीड किए और उसके मुकाबले फेनरबहचे के सामने ये टीम 2
जीरो से लॉस करके आ रही फेनरबेस, जो कि काफ़ी बेहतरीन अटैक वाइज प्लस डिफेंस वाइज टीम है, उस टीम के सामने इसका लॉस बनता है। उससे पिछले मुकाबले अलानिया स्पर के सामने 4-1 से विन कर गई। अटैकिंग वाइज टीम ने 4 गोल किए लेकिन डिफेंस वाइज 1 गोल कंसीड किया। और उससे पिछले मुकाबले ये कायसेरी स्पोर के सामने 3-0 से विन कर गई। अटैकिंग वाइज 3 गोल के लेकिन डिफेंस वाइज 1 गोल भी कंसीड नहीं किया। और उससे पहले मुकाबले ये टीम 3-1 से लॉस करके और उससे पहले मुकाबले ये टीम 1-0 से विन कर गई। तो इस टीम का जो परफॉर्मेंस अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में ये टीम गोल कर देती है और डिफेंस वाइज आप मान सकते हो कहीं ना कहीं गोल कंसीड भी कर देती है। अब गाइस बात करें जो गोज टैप का जो रिसेंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम पर जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में, तो गाइस गोज टैप रिसेंटली 6 मैच खेली जिनमें से 3 मैच विन 2 ड्रॉ और सिर्फ 1 मैच इस टीम ने लॉस किया। अटैकिंग वाइज 2 गोल पर मैच स्कोर किया लेकिन डिफेंसिव वाइज 1.3 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। मतलब ये टीम अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में गोल करती है लेकिन डिफेंसिव वाइज ये टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, एक बेहतर टीम के सामने ही पर मैच में 1 गोल कंसीड करती है। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच गोस्ट है इस्तांबुल के सामने 2-1 से मैच को विन करके आ रही है। अटैकिंग वाइज 2 गोल के लेकिन डिफेंसिव वाइज 1 गोल कंसीड किया और इस्तांबुल जो कि काफी अच्छी टीम है और उस टीम के सामने इसका विन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके मुकाबले ये टीम मनीषा बीबी के सामने 5-3 से विन करके आ रही है। अटैकिंग वाइज इस टीम ने 5 गोल के लेकिन डिफेंस वाइज 3 गोल कंसीड किए और उसके मुकाबले 2-2 से मैच को ड्रॉ खेला। अटैकिंग वाइज फिर से गोल के लेकिन डिफेंस वाइज गोल कंसीड किया और एक मैच इसने मैनी एलर्ट पर मतलब मलाटियास पर सामने खेला और 1-0 से लॉस किया, उससे पहले मुकाबला 2-0 से विन और फिर यहाँ से 1-1 से ड्रॉ। तो परफॉर्मेंस इस टीम का काफ़ी बेहतरीन है अटैकिंग वाइज भी और डिफेंसिव वाइज भी। तो गाइस अब बात आती है इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या हो सकता है हमारी शमोली टीम क्रिएट करने के लिए ड्रीम 11 पर। तो गाइस सबसे पहले हमने इन दोनों टीमों के पॉइंट टेबल पर नजर डाली, फिर इन दोनों टीम हेड टू हेड मैचेस पर नजर डाली, फिर इन दोनों टीमों के रीसेंट फॉर्म पर नजर डाली। तो गाइस इन तीनों चीज़ों को एक साथ मद्देनजर रखते हुए इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या हो सकती है। तो गाइस पॉइंट टेबल अकॉर्डिंग भी दोनों टीमों को अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में गोल करती हैं दोनों टीमें और डिफेंस वाइज भी दोनों टीमें प्रत्येक मैच में गोल कंसीड कर देती हैं। और हेड टू हेड में भी यही चीज देखने को मिली कि दोनों टीमों को अटैकिंग वाइज गोल होते हैं लेकिन डिफेंस वाइज भी गोल कंसीड किए जाते हैं। और रिसेंट फॉर्म का अकॉर्डिंग भी यही देखने को मिला कि दोनों टीमों का जो परफॉर्मेंस है अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में गोल करती हैं दोनों टीमें लेकिन डिफेंस वाइज भी गोल कंसीड कर देती हैं। तो गाइस मुझे लगता है कि इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं 1 गोल यहां से अलताय आपको करती हुई नजर आ सकती है और 2 गोल कहीं ना कहीं गोस्ट टेपिक और से देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए अपना स्कोर लाइन प्रेडिक्शन इस मैच का रहने वाला 1-2 का और 1-2 का प्रेडिक्शन का अनुसार हम अपने ड्रीम 11 की टीम क्रिएट करने वाले हैं ड्रीम 11 पर। उससे पहले बात करेंगे इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो सबसे पहले नजर डालते हैं अलताय के प्लेयर्स के बारे में, फिर गाइस बात करेंगे गोस्ट टेप के जो प्लेयर्स उनके बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो सबसे पहले नजर डालते हैं अलताय के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो आपको इस YouTube चैनल पर मिलेगी इसी एनालाइज साइट, मतलब काफ़ी कम समय में आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो गाइज आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और हाँ इस मैच की जो फाइनल टीम रहेगी वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने टॉप के कॉमेंट और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं सीधे मुद्दे की प्लेयर वाइज की कौन से प्लेयर ने कितना गोल कितना असिस्ट किया, तो नजर डालते हैं अलताय के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइज अलताय टीम की तरफ से पिछले 4 मैच में 8 गोल आए हैं, तो यहाँ से आपको सबसे पहले बम्बा जिसने 2 गोल किए इस टीम की तरफ से, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया फिलहाल टाइम पर। वहीं पर बात करें अहमद यासिर रयान जो कि 2 गोल कर चुका है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। वहीं पर बात करें थीम जिसने 1 गोल किया और यहाँ से आपके लिए पिनारेस जो कि प्रीवियस सीजन भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। बाकी के 2 को प्लेयर्स का आप सामने रिकॉर्ड आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ से मार्टिन रोड्रिगोज और यहाँ से पिनारेस और यहाँ से बम्बा, एक इन तीनों को तो आप अपनी टीम में ट्राई करके चल लेना। अब बात करते हैं असिस्ट के मामले में इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर निकल कर आते हैं, तो एक बार नज़र डाल। तो गाइस कैसर पिनारेस जो कि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है क्योंकि 1 गोल और 2 असिस्ट कर चुका है, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। और बाकी यहाँ से आपके पास अका है जिसने 1 असिस्ट किया और यहाँ से करायल जिसने 1 असिस्ट किया, बाकी का आप सामने रिकॉर्ड आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं जो सेकंड टीम के जो प्लेयर्स उनके बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो नज़र डालते हैं गोस्ट टेपे के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइज गोस्ट टेप एक टीम तरफ फिलहाल के टाइम पर जो हाईएस्ट गोल टेकर है आपको यहाँ सारे एक एक प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, मतलब सभी प्लेयर ने एक एक गोल किया। अब इन 5 प्लेयर में से आप लोग कौन कौन से प्लेयर को टिक पिक करना चाहिए, मतलब चेरिफ एंडिया को तो पिक करके चलना ही चाहिए, इसे कैप्टन बना सकते हो। मेरा कैप्टन फिलहाल हलील अकबुनार है, क्यों, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस था प्रीवियस सीजन इसी लीग में अटैकिंग वाइज भी और डिफेंस वाइज भी काफ़ी अच्छा था, तो इसलिए टीम का कैप्टन हलील है और
हम यहाँ से चेरिफ को टीम का वाइस कैप्टन बना के चलते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है और बाकी के जो भी प्लेयर्स हैं रिकॉर्ड आपके सामने है, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं असिस्ट के मामले, इस टीम तरफ कौन से प्लेयर निकल कर आते हैं तो एक बार नजर डाल। तो गाइज असिस्ट के मामले में यहाँ से चेरिफ इंडिया एक असिस्ट कर चुका और यहाँ से बरकान इमीर जो कि आपको डिफेंडर में देखने को मिलेगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। टॉप टू को तो हम टीम ट्राई करेंगे। और यहाँ से फल्लू ली जिसने एक असिस्ट किया और यहाँ से लॉरेंसी जिसने एक असिस्ट किया। अब बात करते हैं इसमें इसका स्कोरलाइन प्रेडिक्शन, हमने रखा 1 गोल यहाँ से अल्ताय और 2 गोल यहाँ से गोस्टेप है। और 1-2 की प्रेडिक्शन के अनुसार क्या रहने वाली इस मैच में हमारी शिमोली टीम है ड्रीम इलेवन पर, तो नज़र डालते हैं ड्रीम इलेवन की टीम पर। तो गाइज फिलहाल के लिए ये टीम है जिसमें कैप्टन हलील अकबुनार को हमने टीम में कैप्टन बनाया, वाइस कैप्टन चेरिफ इंडिया को पिक करके चले हैं। अब आपके पास चॉइस है, आप किस किस को बना सकते हो। जैसे कि यहाँ से आपके पास है बम्बा जो कि 2 गोल कर चुका है, और यहाँ से पाइक्स जाओ, ये क्यों लिया, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस था लीग 2 में वो काफ़ी अच्छा था। इसने 27 मैच खेले थे और इसने 25 गोल किए थे, तो परफॉर्मेंस वहाँ पर अच्छा था। लेकिन ये फर्स्ट डिवीज़न है, मतलब सेकंड डिवीज़न में मारे थे, तो यहाँ पर इस तरह परफॉर्मेंस रहता है नहीं रहता वो बात अलग है, लेकिन प्लेयर अच्छा है। और यहाँ से हमने पिनर रेस को पिक कर चला, मार्टिन रोड्रिगोज क्यों पिक करा, क्योंकि इसका मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर है इस टीम की तरफ से, तो इसलिए हम पिक कर चलेंगे। एमिर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लो स्कोरिंग में कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन बना लेंगे। और नुकान एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन इस मैच में हम ग्रैंड लीग जरूर खेलेंगे विद 10-20 टीम के साथ में, तो उस कंडीशन में जो इस मैच की जो फाइनल टीम रहेगी वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने टॉप के कॉमेंट और इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुद का ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर देना।